चराग उठा के आफताब जलाए, जरा कदम तो उठा के एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जी आजकल क्या हो गया है आपको? क्या हो गया मतलब? मतलब आप सब जानते हैं, आप आजकल अमर के साथ इतनी बुरी तरह से क्यों बात कर रहे हो? बुरी तरह से? मैंने कब की उसके साथ बुरी तरह से बात? अच्छा, अब आपको याद भी नहीं रहा? अरे खुशी को तो वो हमेशा ही गोद में लेता है, फिर आप एक निवाला उसके मुंह में भी डाल देते तो आपका क्या जाता? रोज तो खिलाते थे, फिर क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे, समझ नहीं आता। पहले तो आपको अमर से इतना प्यार था, मुझे भी कहते थे इसके लिए ये करना उसके लिए वो करना, फिर अचानक से क्या हुआ कि आप उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते? और इधर दो चार रोज से तो आपने हद ही कर दी है। मैं जानती हूं आप कारखाने को लेकर परेशान हैं, लेकिन इसलिए बच्चे पर बिगड़ना तो ठीक नहीं। अगर कोई और बात है तो आप मुझसे कहिए, हम दोनों मिलकर हल ढूंढ लेंगे। पर ये अकेले अंदर ही अंदर घुटना और फिर बच्चे पर बिगड़ना, ये ठीक नहीं। अब तो यकीन आ गया ना आपको? जाहिल हैं सबके सब, जानवर पूरे। तुम्हारे मुंह से कई किस्से सुने थे वहां के, पर वहां जाके जो देखा वो उन सबसे ज्यादा भयानक है। मेरा दिल यूं ही नहीं जलता है नफरत की आग में। अरे वो अभिमन्यु, मुझे लगता था कि वो आदमी, अरे थोड़ी तो अकल होगी उसके यहाँ पर वो तो पूरी तरह से उस मवाली मंगत की बातों में है। और वो प्रोफेसर साहब, छोड़िए उसको, उस इंसान की कोई हैसियत ही नहीं है उस घर में। सच पूछो तो उसमें प्रोफेसर वाली कोई बात ही नहीं, उसे देख के यकीन ही नहीं होता कि ये आदमी 20 साल तक काल कोठरी में पड़ा रहा। बोली और तेवर से तो वो प्रोफेसर महेंद्र कम और जमींदार बड़े साहब ज्यादा लगता है। ये तो बहुत पते की बात कह डाली आपने। मतलब जरा सोच कर देखिए, गजेंद्र ने अपने भाई महेंद्र को बड़े घर के तहखाने में 20 साल तक नजरबंद रखा। मकसद यही कि जब काली करतूतों की वजह से कानून और पुलिस का शिकंजा गजेंद्र पे कसने लगे तो गजेंद्र प्रोफेसर महेंद्र का भेस धर के दुनिया के सामने आ जाए। पर प्रोफेसर महेंद्र, उसका क्या? एक लाश जलाई गई थी राजपुरा में चाचा गजेंद्र के मरने के बाद। ऐसा खेल तो कोई बहुत शातिर मुजरिम ही खेल सकता है। ये मत भूलिए ओम जी कि गजेंद्र का वक्त गुनाह और शतरंज के
भी चलता है। पर माया, ये तो बहुत जोखिम वाला काम, नया नाम, नई शख्सियत, बहुत मुश्किल काम है। आपके और हमारे लिए मुश्किल। चाचा गजेंद्र के लिए तो ये बच्चों का खेल है। मौत से चिठोली करने वाला ये दरिंदा क्रूरता की किसी भी हद को पार कर सकता है। कुछ बताना है तुम्हें। बोलो। अमर के बारे में। अमर के बारे में क्या बात है? वो वासुदेव भैया HIV पॉजिटिव थे। और शायद भाभी भी HIV पॉजिटिव थी। पर ये सब आप मुझे अब क्यों बता रहे हो? आपको पहले से मालूम था? भाभी के बारे में तो मुझे नहीं पता था, लेकिन भैया ने बताया था अपने बारे में। भाभी तो जब से खाट से लगी उसके बाद से बोलना ही बंद कर दिया। मैंने कई बार पूछा उनसे, अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? मुझे बताओ क्या बात है, मैं करवाता हूं तुम्हारा इलाज। लेकिन नहीं, कुछ नहीं बोली और चल बसी। अमर के बारे में भी कुछ नहीं बताया उन्होंने। अमर के बारे में क्या? अमर भी HIV पॉजिटिव है। आपको कैसे मालूम? भाभी ने बताया आपको? जांच हुई उसकी? आपको कैसे पता? नर्स बहन जी ने बताया था कि अगर भाभी अमर के पैदा होने से पहले HIV पॉजिटिव थी तो ऐसे में बच्चे को भी HIV संक्रमण हो सकता है। बस इसीलिए मुझे लगता है कि अमर भी HIV पॉजिटिव है। बिना जांच के आप कैसे इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं? ICTC में जांच होती है इसकी। नर्स बहन जी ने बताया है मुझे। नर्स बहन जी? क्या बोली वो? वो बोली कि जांच करवा लो। पर क्या फायदा क्या हो गया है आपको? रोज तो उसकी तबीयत खराब रहती है, माँ बाप दोनों ही HIV पॉजिटिव थे, फिर क्या होगा जांच करवा के? के बाबू, बात समझने की कोशिश करो। सिर्फ जांच से ही पता चल सकता है कि अमर HIV पॉजिटिव है या नहीं। मेरी बात मानो, हमें जल्द से जल्द अमर को ICTC ले जाना चाहिए। हेलो। हाँ बड़े साहब, भाभी के निकलने का दिन तारीख तय हुआ कि नहीं? काम चल रहा है। गुस्ताखी माफ बड़े साहब, पर देरी हो रही है। यहाँ सब बहुत उतावले हो रहे हैं और बाहर से भी बार बार फोन आ रहे हैं इस बारे में। तसल्ली रखो, जल्दी पहुँचेगा वो। एक बात और थी आपको बताने के लिए।
कहो। आपकी मौत के बारे में कोई छानबीन कर रहा था यहाँ? जानता हूँ। कमाल है, जानते हैं आप? ओम और उसके माया, लोग बाज नहीं आते, अपनी जान का ठिकाना नहीं है और दूसरों की मौत की खबर लेने निकले हैं। बहरहाल तुम फिक्र मत करो। बड़े साहब कमाल है, आप वहां उतनी दूर बैठे हैं लेकिन सारी बातें पता रहती है आपको। दूर कहाँ हूँ मैं, वहीं हूँ। नजर नहीं आता पर नजर रहती है मेरी हर चीज पर। दुश्मन की पूरी कुंडली का हिसाब है हमारे पास। बड़े साहब की जय हो।